दिया है और बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से। हेलो कलवे यहाँ देख ले। प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम सभी अच्छे हैं और अभी दिन के समय से मैं ब्लॉग के थ्रू बात कर रही हूँ। वहाँ मेरा खाना बन रहा है और चीटी की आवाज़ आ रही, तो दिन के समय से मैं अपने ब्लॉग के थ्रू बात कर रही हूँ, तो खाना भी बन रहा है, चीटी की आवाज़ भी आ रही होगी, खाना भी बना रही साथ। और यूवी को आज मैंने घर ही रखा है क्योंकि थोड़ा सर में दर्द बता रहा था कल शाम, थोड़ा पेट भी सही होता है इसलिए मैंने घर में रखा है। और बाहर लगी हुई है, बहुत ही खतरनाक धूप लगी हुई है, तो दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर में। खाना बन चुका है तो चलिए। थोड़ी देर कल भी ब्लॉग बनाया था तो कल मैंने थोड़ा सा ही बना पाई, एक क्लिप मतलब यही गुड मॉर्निंग वगैरह बना पाई, बाकी कुछ नहीं बना पाई। उसके बाद ना तबीयत खराब जैसी हो रही थी, बुखार जैसा लग रहा था, तो बुखार आया था इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कंटिन्यू कर पाई। तो वो आज मैंने सोचा यार रोज के रोज ऐसे हो जा रहा ना, मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही ज्यादातर, तो आज मैं बना रही हूँ। आज से लगातार कोशिश करूंगी कि रोज के रोज ब्लॉग बनाऊ। तो चलिए बने रहिए, धूप दिखाती हूँ मैं आपको, मौसम दिखाती हूँ कि बारिश के बाद इतनी खतरनाक आज धूप निकली है ना, दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी तेज धूप लगी हुई है। दोस्तों खाना तो बन चुका है और थोड़ी देर में खाएंगे, एक बज गया, खाना बन चुका है। तो दोस्तों बज गया है शाम का 4 और मैंने बच्चों को ना ट्यूशन पहुंचा दिया, मतलब यूवी को पहुंचाना पड़ता है, आयुष तो यहीं पर ही है ठीक सामने पे ही हमारे घर के, तो आंटी पढ़ाती है आयुष को और आयुष चले गया था ट्यूशन, यूवी को मुझे पहुंचाना पड़ता है। मैंने बोला आयुष तो पहुंचा दे, तो वो रोने लग गया, नहीं मम्मा अभी पहुंचाओ, भाई नहीं पहुंचाएगा। फिर एक तो नींद से उठा है, फिर मैंने ही पहुँचाया उसे। यूवी को पहुँचा के आई हूँ, 4 बजे है शाम का और पता है इतनी खतरनाक धूप हो रही है ना बाहर, तो मैं बना लेती हूँ चाय, मैंने चाय पीती हूँ। तो मैं और ये बैठे, इधर देखो बाबू, इधर देखो, इधर देखो किरण देख ही नहीं रही यार ये, तो मैं और ये छुटकी बैठे हैं, इधर देख ना देख ही नहीं रही है, इधर देख बाबू, ये देखो इधर देखो इधर, नहीं भैया वही चीज है। तो बच्चे आ गए हैं ट्यूशन से, गिरे गया और बाहर हो रहा है बारिश का मौसम भक्का। तो दोस्तों ना इस समय मैंने भिंडी धो के रख दिया है और चाय बन रही है शाम के समय की, तो बाहर खेल रहे हैं सब लोग। ये यहाँ पे रख दी पंखे के नीचे भिंडी, पंखा भिंडी। हेलो दोस्तों प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंडी ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम सब भी अच्छे हैं और सारा काम हो गया है, बच्चे गए हैं स्कूल और धूप निकल रही है, काफ़ी टाइम से बारिश नहीं आ रही है, कहीं धूप भी निकल रही है, तो मैंने सोचा ब्लॉग की शुरुआत कर देती हूँ। आधा ब्लॉग मैंने कल बना के आज आधा आज से स्टार्ट कर रही हूँ, तो बने रहिए आप लोग। और मैंने आज मतलब कल शाम से मैंने ना राजमा भी गोई हुई थी, तो वो मैंने बॉईल करने रख दिया, मतलब बॉईल हो चुकी है, बाद में मैं उसमें तड़का वगैरह जाएगा मतलब लगाऊंगी। तो चलिए आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो दोस्तों स्कूल से मैं ले आई हूँ बच्चों को, पौने 2 हो गया है युवराज, तो स्कूल से ले आई हूँ पौने 2 हो गया है। और पता है बाहर ना बारिश का मौसम बना हुआ, इतनी गर्म हो गई ना, मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाती हूँ मौसम कैसा हो रहा है। ये देखिए ये दिन के 2:15 बजे का हल्द्वानी का मौसम है, तो मैंने तैयार कर रखा है, मैंने बनाए हैं आज राजमा चावल, तो खाना खा लेते हैं हम लोग फिर आराम करते हैं।